प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। गाइस, मैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी लेके आई हूँ जो मुझे रिसीव हुई। और ये ज़रूरी नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी फीमेल में हो या मेल में ही हो, ये किसी भी जेंडर में हो सकती है। तो यहाँ मैं किसी भी जेंडर का पर्पस से लेके नहीं आई हूँ। जिससे भी रेजोनेट होती है दैट मीन कि ये आपके लिए गाइडेंस है। सबसे पहले मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है वो दो तरह की हुई है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव भी नहीं है लेकिन कन्फ्यूजन वाली एनर्जी जो मुझे फील हुई है, और पॉजिटिव भी हुई है। सबसे पहले मैं आपको की जो करंट एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की वो मैं बताना चाहूँगी कि इस टाइम जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो बहुत ही एक तरह से नर्वस फील कर रहे हैं अपने आप को। बहुत कुछ ऐसा है जो वो शेयर करना चाहते हैं दोस्तों से या फैमिली मेम्बर से, एनीथिंग, ऐसा कोई क्लोज पर्सन जिसे वो शेयर करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। वो खुद नहीं सोच पा रहे हैं कि मैं शेयर करूं या नहीं करूं। एक पल तो उनका मन होता है कि मैं शेयर करूं लेकिन दूसरे पल वो किसी और टॉपिक पे बात करके बात ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि वो चाहते तो हैं कुछ समझाना, अगर कोई अगर थोड़ा सा सब वो बता भी रहे हैं तो अगर सामने वाला उससे सवाल पे सवाल कर रहा है तो वो फिर उस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट करके बात कहीं और घुमा देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो उनको कोई नहीं समझ पा रहा है, उनकी थिंकिंग को, उनकी बात को कोई नहीं समझ पाएगा या नहीं समझ पा रहा है। दूसरा, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन अपनी, मुझे नहीं पता ये किन लोगों के लिए मैसेज है बट है जो मैं आपको देने आई हूँ, बट मैं शुगर कोट करके नहीं बोलूँगी। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ यानी कि चाइल्डहुड बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है और बहुत कुछ ऐसा रहा है उनकी लाइफ में जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने फेस किया है। तो कहीं ना कहीं वो आज भी इस टाइम यानी कि इन दिनों में वो उस चीज़ को फील कर रहे हैं, अपने बचपन को याद कर रहे हैं। सडनली ऐसा हो रहा है उनके साथ, वो खुद नहीं जाना चाह रहे पास्ट में लेकिन फिर भी वो पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं। जो पेन उनके दिल में छुपा हुआ है बचपन को लेके, उसे वो फील कर रहे हैं, उसे वो हर तरह से जान रहे हैं कि मेरी लाइफ में कितना स्ट्रगल रहा है, आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो कितना स्ट्रगल करके पहुँचा हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको इस तरह परेशान कर रही हैं उनके माइंड को, क्योंकि ये उनको एक तरह से शोरों में डाल रही है, दुख में डाल रही है, पेन में डाल रही है। और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन तो रो भी रहे हैं। मुझे नहीं पता ये किसके साथ रेजोनेट होगा लेकिन ये करंट एनर्जी है कि वो इस टाइम बहुत रो रहे हैं और बहुत अपने आप को अलोन फील कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ना किसी से बात करना अच्छा लग रहा है, ना किसी से फ़ोन भी यूज करना भी उनको टाइम वेस्ट लग रहा है। देख तो सब कुछ रहे हैं लेकिन मन किसी में भी नहीं टिक रहा है उनका। और अगर मैं बॉडी लैंग्वेज से कहूँ कि इनकी बॉडी में क्या चेंजिंग आ रहे हैं, क्या ऐसी एनर्जी है उनकी अनबैलेंस, तो वो ये है कि उनको स्टोमच में दर्द है, उनके पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उनको 2-3 दिनों से अचानक ही हुआ है। और एक उनके गले में पेन है, पेन कहूँ या कुछ खराश कहूँ, खांसी कहूँ, ऐसा कुछ है जो उनको गले से प्रॉब्लम है। और कुछ जो डिवाइन मैस्कुलिन है जो ऑलरेडी मैरिड है, वो जो चाहते थे, जैसा लव वो चाहते थे वो उनको नहीं मिला है, और जो मिला है वो उनकी उनको उसकी इच्छा नहीं थी। अनवांटेड जो लव उनको मिला है वो उसे नहीं चाहते थे, लेकिन जैसा वो चाहते थे, जैसी उनकी फीलिंग थी, इनर फीलिंग थी, वो उनको नहीं मिला है। और उसको लेकर भी वो सप्रेशन में है, क्योंकि ये एक ऐसी रिश्ता होता है कि इसे बाहर निकलना भी मुश्किल होता है और छोड़ना भी मुश्किल होता है। तो कुछ डिवाइन मैस्कुलिन इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी, जो डिवाइन फेमिनाइन में, फिलहाल मैं डिवाइन फेमिनाइन से कहना चाहूँगी कि जो डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन है वो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दें कि क्या आपने अपने मैस्कुलिन के फेस को नोटिस किया है, कुछ चेंजिंग आपको नज़र आए हैं क्या, आपको ने सडनली आपको
ऐसा फील हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो अब मैं जो कहना चाह रही हूँ उस बात को सुन के आप नोटिस करना कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो सडनली उनकी आँखों पे चेंजिंग आई है, यानी कि उनकी जो आई आई आँखें हैं वो उनका शेप में चेंजिंग आई है, कि उनका शेप चेंज हुआ है। जो पहले था वो शेप में थोड़ा सा चेंजिंग आया है, और जिन जो उनकी पलकें हैं, पलकों के ऊपर एक तरह से लेयर है, मोटी लेयर, जैसे कि अजीब ही उनकी आँखों की बनावट बन गई है, बन रही है। फील का आप नोटिस करना, अगर आप जो लोग बातें कर रहे हैं आपस में, ये चेंजिंग आया, दैट मीन कि उनकी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और वो अपने लेवल पे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में सिस्टम, जो बॉडी सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इनर इनर तो चेंज होता ही है, इनर जो डेवलपमेंट है वो तो होता ही है, और फिजिकल बॉडी का भी डेवलपमेंट होना लाजमी होता है जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। या ये तो थी करंट एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की, और जो मैंने सवाल किया है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा आप लोगों ने फील किया या नोटिस किया, तो मैं अभी यही आपको सजेस्ट करना चाहूँगी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, प्लीज़ आप इसे लेट गो करें। मैं जानती हूँ कि हर चीज़ को भूल पाना इतना नॉर्मली नहीं होता, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, हर चीज़ को भुला पाना इतना आसान नहीं होता, ख़ासकर उन रिश्तों को जिनसे हम एक तरह से बहुत क्लोज रिश्ते होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स, और वहाँ हमें अगर बचपन से ही बहुत पेन मिले, दर्द मिले, तो शायद ही ऐसा टाइम होता है कि हम इस चीज़ को भूल पाएँ। लेकिन हमें इसके साथ पीस क्रिएट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके हक में नहीं है, नहीं था वो टाइम, या कुछ भी ऐसा था जो आपका आपको फेस करना पड़ा, बट कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भी तो देखो कि आपने उस स्ट्रगल से कुछ ना कुछ सीखा है। पहली बात तो आप मजबूत हो गए हैं, आप ज़रा भी नहीं घबरा सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज़ को फेस करते आ रहे हो, तो अब आप मुसीबतों से डरते भी नहीं हो। बहुत स्ट्रगल किया हुआ है आपकी लाइफ में, और अगर कोई सडनली कोई ऐसा प्रॉब्लम आ भी जाता है सामने, तो आप धैर्य से काम लेते हैं और आप यही फील करते हैं कि ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आप नेगेटिव चीज़ को ना सोच के पॉजिटिव व्यू में ध्यान दें कि बहुत कुछ ऐसा है जो आप जान पाए हैं। अगर ये सब नहीं होता तो आपकी सोल ग्रोथ नहीं करती, अगर सोल ग्रोथ नहीं करती तो फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप एक अवेकनिंग की प्रोसेस पे नहीं जाते। अवेकनिंग तभी होती है जब हमें पेन मिलता है, दर्द मिलता है, तब हम रियलिटी की तरफ भागते हैं, क्योंकि जब हमारा दम घुटने लगता है ये बनावटी रिश्तों में, बनावटी दुनिया में, जब हमें दम घुटने लगता है तो फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, किस लिए हैं, और ऐसा क्या है जो हमें जानना चाहिए, तो तभी हम अवेकनिंग के प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को पीस क्रिएट करें, उस जो भी आपके मूवमेंट रहे हैं पास्ट लाइफ में, उसके साथ पीस क्रिएट करें और आगे बढ़ें, क्योंकि उन्हीं पास्ट मूवमेंट ने आपको आज बहुत अच्छी जगह पे पहुंचाया है, उसका शुक्रिया अदा करें, थैंक्स करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।